रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले हल्ला बोल रैली की तैयारियों के संबंध में पटपड़गंज जिला कांग्रेस कमेटी में चौपाल का आयोजन किया गया। नई दिल्ली 24 अगस्त 2022। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने 4 सितंबर 2022 को श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में महंगाई के खिलाफ रामलीला मैदान में होने वाली रैली की तैयारियों को लेकर पटपड़गंज जिला कांग्रेस कमेटी में आयोजित चौपाल को संबोधित करते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई के खिलाफ हमें देशवासियों के हित के लिए एकजुट होकर महंगाई पर हल्ला बोल रामलीला मैदान की रैली को ऐतिहासिक बनाना है। पटपड़गंज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नालंदा चौक मेन रोड मंडावली पटपड़गंज में आयोजित चौपाल का आयोजन पटपड़गंज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिनेश कुमार एडवोकेट ने किया। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली सहित देश भर में बढ़ती महंगाई के विरोध में चौपाल आयोजित करके चर्चा हो रही है, जहां खुले रूप से भाजपा की तानाशाह मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठ रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आसमान छूती महंगाई, बेरोजगारी व मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार लड़ रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई पर हल्ला बोल रैली में दिल्ली सहित देशभर के सभी वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक, सभी प्रदेशों से संगठन पदाधिकारी व कांग्रेस कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे और दिल्ली में रैली आयोजित होने के बाद हमारी जिम्मेदारी अधिक बन जाती है। चौधरी अनिल कुमार ने अनुरोध करते हुए कहा कि रैली के प्रचार के लिए मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों और बढ़ती महंगाई से संबंधित पंपलेट बाजारों में विक्रेताओं व ग्राहकों से चर्चा करके अधिक से अधिक संख्या में बांटे तथा स्थानीय लोगों के साथ महंगाई पर चर्चा करके उन्हें रामलीला मैदान पर पहुंचने का आग्रह करें। चौपाल में प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के अलावा पूर्व विधायक अमरीश गौतम, जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार, जिला कोऑर्डिनेटर महेंद्र मंगला, पटपड़गंज महिला कांग्रेस अध्यक्ष सिंथिया कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी विजेंद्र धर्मपाल मौर्य मौजूद थे। खबर सबकी, सीधे आप तक।